हमारे साथ जी किशन रेड्डी जी हैं। सर, आप तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस बार क्या उम्मीद आपको है यहाँ से? अभी जनता पूरा आशीर्वाद देंगे और अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, अच्छे पार्टी को चुनेंगे जो जनता की सेवा करे और तेलंगाना को विकास करे, भ्रष्टाचार मुक्त तेलंगाना बने और परिवारवाद मुक्त तेलंगाना बने और रोजगार युक्त तेलंगाना बने, विकास युक्त तेलंगाना बने। इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना का जनता वो निर्णय लेंगे। सर, आपने एक जो बयान दिया था, कांग्रेस कह रही है कि इनके पास नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं, आपने कहा था हैदराबाद का नाम बदल देंगे। अरे नाम बदले नहीं, हम पूरे समाज को बदलेंगे, पूरे गरीबों को विकास युक्त लेके जाएंगे। और क्या नाम तेलंगाना को, तेलंगाना को अच्छे विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए प्रयास। नाम क्या होगा सर हैदराबाद का? हैदराबाद का नाम तो पहले ही बता चुका हूँ, भाग्यनगर। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? आप तो जाहिर सी बात है कहेंगे, लेकिन टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है और कांग्रेस भी लड़ाई में जबरदस्त तरीके से, या दोनों एक ही है, बीआरएस हो कांग्रेस हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। दोनों बट्टेबाजी पार्टी है, दोनों झूठा पार्टी है, दोनों गलत प्रचार करने वाले पार्टी है, दोनों परिवारवाद पार्टी है, दोनों भ्रष्टाचार पार्टी है। सर ये जी किशन रेड्डी हैं, कह रहे हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होना ही है और बीआरएस की बात कर लीजिए या कांग्रेस की, दोनों परिवारवादी और भ्रष्टाचार वाली पार्टियां, इसलिए तेलंगाना के लोग एक नए विकल्प को चुनेंगे। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हैदराबाद।